आधे लोग उस तरफ जाके पहरा दो और आधे लोग इस तरफ जाके ध्यान रखे और कुछ लोग उस तरफ भी जाके देखो और तुम लोग दरवाजे की हिफाजत करो। जनाब ग्रेगोर, लोग आपसे बहुत ज्यादा मुतासिर हुए, कल आपकी बातों ने काफी असर किया, मगर इससे सिर्फ उस्मान को फायदा होगा। ऐसा नहीं लगता कि आप इनकी ज्यादा ही मदद कर रहे हैं। अंदर यास, उस्मान को फायदा लेने दो। इस वक्त हमारे लिए सबसे अहम बात उस्मान का भरोसा जीतना है। मैंने तुम्हें बताया था। उस तरफ जाके देखो फौरन। देखें जनाब, गलियों और बाजारों में निकोला के सिपाही नजर आ रहे हैं। कल तक तो इतने सिपाही नहीं थे। हो सकता है ये भी उस्मान का मंसूबा हो। ये उस्मान आखिर क्या चाहता है, उसकी नीयत को समझना होगा। माशाल्लाह मलहून, अंदाजा हो रहा है कि तुम कितनी पुरजोश हो जंग के लिए। मैं बहुत पुरजोश हूँ, बहुत अरसा हो गया हम एक साथ जंग पर नहीं निकले, मुझे वो याद आ गया। ऐसा ही है। जरकुताय, गांव जहन्नम की तरह हो गया है, हर तरफ सिपाही फैला दिए गए। तो क्या हुआ चरखुता है, खौफ सदा तो नहीं हो गए? मैं सरदार उस्मान का सिपाही हूँ, जब हम आपके साथ होते हैं तो हमें कोई डर नहीं होता। ऐसा ही है। सिपाहियों, जिस किसी ने भी कई सिपाहियों को रोकने की कोशिश की और ताजिरों के साथ मसाइल पैदा करके नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसे इसका हिसाब देना पड़ेगा और उस पर कोई रहम नहीं होगा। अगर तिजारत रोकने की कोशिश की उन्होंने तो हम उनके काफिले पर हमलावर होंगे। फौरन। जी हुजूर। नक्शा लेकर आओ फौरन। जैसे आपका हुक्म।